अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सुल्तान कली कुतुबुल मुल्क, दक्कन में कुतुब शाही सुल्तनत का बानी, जिसने 1512 ईस्वी से 2 सितंबर 1543 ईस्वी तक हुकूमत की। इनकी पैदाइश सन 1470 ईस्वी में ईरान के शहर हमदान में हुई। सुल्तान कली की पैदाइश हमदान में हुई। सुल्तान कुली का निस्फ कर्रे यूसुफ तक पहुँचता है और वालिदा मरियम कानम से निस बादशाह ईराने जहां शाह तक पहुंचता है। सुल्तान कुली के दादा पीर कुली बेग कर्रे सिकंदर के पोते थे और निस्बी एतबार से कर्रे यूसुफ की औलाद से थे, जो नस्लन तुर्क थे। सुल्तान कुली की वालिदीन 15वीं सदी ईस्वी के आगाज में दिल्ली आए और जल्द ही दक्कन चले आए। दक्कन में सुल्तान कली के वालिद ने बम्बई सुल्तनत की मुलाजमत इख्तियार कर ली। सुल्तान मोहम्मद शाह लश्करी की हुकूमत के आकर आयाम में वो दक्कन आया और सुल्तान मोहम्मद शाह लश्करी की तुर्की गुलामों के गिरोह में शामिल हो गया। सुल्तान मोहम्मद शाह को तुर्की गुलामों से बहुत दिलचस्पी थी और उन्हें बहुत अजीज रखता था। सुल्तान कुली चूंकि इलम हिसाब में बड़ी महारत रखता था और कुशकत था, उसे शाही महलात का हिसाब नवीस मुकर्रर कर दिया गया। सुल्तान मोहम्मद शाह लश्करी ने सुल्तान कली को तेलंगाना के आलात दुरुस्त करने का हुक्म दिया तो सुल्तान कुली ने बागियों की एक जमाहत को अपना अमनवा बनाकर ऐसी चाल चली के इसी जमाहत से चोरों और राजनों का नाम व निशान तक मिटा दिया। सुल्तान कुली ने दूसरे अमरा की प्रिगनों से भी जो इसी नवा में थे गुंडों और लुटेरों का किला कमा कर दिया और उसकी शुजाहत और बहादुरी का चर्चा आम हो गया। सुल्तान मोहम्मद शाह ने सुल्तान कुली को अमारत के दर्जा पर पाइज करते हुए उसे कोलकंडा और उसकी मुदापात का जागीरदार बना दिया। कुछ अरसे बाद उसे कोलकंडा का सिपासालार मुकर्रर कर दिया गया। शाही फरामीन में उसके नाम के अमरा साहिबुल सैफुल कलम लिखा जाता है। इनकी वफात 2 सितंबर 1543 में हुई। भारत के हैदराबाद दक्कन में सुल्तान कुली कुतुबुल मलक का मकबरा है। ये थी सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क की दास्तान। अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी कमेंट्स के जरिए हमें जरूर आगाह करें। शुक्रिया।